फ्रेंड्स, आज मैं टमाटर की बहुत ही टेस्टी अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। और इसके लिए मैंने 2 केजी टमाटर, जो इस तरह लाल पके हुए हैं, कड़े हैं टमाटर, बहुत कड़े हैं लेकिन रेड कलर के हैं, तो इस तरह का ही टमाटर का चुनाव आप करें और इन्हें अच्छे से धो लें और फिर इसे पोंछ लें। और अब मैं इसका ये पार्ट निकाल दूंगी। इस तरह से आप इसे निकाल दें और इसे 4 टुकड़ों में कट कर लें इस तरह, और फिर इसे एक बर्तन में डाल दें। सारे टमाटरों को इसी तरह कट करना है और इसे 4 भाग में काट कर हमें एक अलग बर्तन में रख लेना है। देखिए, सारे टमाटरों को मैंने कट कर लिया है और अब मैं इसमें 2 चम्मच नमक डालूंगी। नमक हम बाद में फिर एडजस्ट कर लेंगे, अगर कम होगा तो फिर डालेंगे और नहीं तो जैसा मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक को बाद में देखेंगे। और इसमें थोड़ा हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हमें इसे रात भर इसे ढककर ऐसे ही छोड़ देना है, सुबह हम इसको देखेंगे फिर। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर को हमने रात भर छोड़ दिया था और ये देखिए पानी कितना निकल गया है इसमें, इसमें बहुत पानी हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पानी को हम एक अलग कटोरी में निकाल देंगे। इस तरह निकाल दीजिए और इस टमाटर को अब हम एक बड़ी थाली में लेकर धूप में सुखाएंगे। ये देखिए इस तरह इसे फैला लेंगे। ये एक बर्तन में तो नहीं हो रहा, एक दूसरी थाली भी मुझे लेनी पड़ेगी और इस तरह से धूप में रख देंगे। इस तरह मेरी 2 थाली तैयार हो गई है। जैसे मैंने रात में इसे कट किया था तो अब ये दिन भर आज धूप में इसे सुखाएंगे। और ये जो पानी है इसमें हम इमली फुलाएंगे। और अब ये देखिए, ये लहसुन मैंने, ये 100 ग्राम के लगभग लहसुन है और अदरक भी 100 ग्राम है। और हरी मिर्च तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा लाल मिर्च भी डालूंगी इसलिए मैंने थोड़े से हरी मिर्च भी ले लिया है। और ये इमली है, ये भी 100 ग्राम है और इसे मैं अच्छे से पहले धो लूंगी, फिर इसे वो टमाटर वाले पानी में सोक कर दूंगी। अब हम इसे सबसे पहले छील लेते हैं, अदरक को और लहसुन को, और ये हरी मिर्च को भी अच्छी तरह से धोकर फिर इसे इन तीनों को भी हम धूप दिखाएंगे। और ये जो इमली है इसको भी धो करके जो सोक करेंगे उसे भी हम धूप में रख देंगे। इस तरह मैंने लहसुन और अदरक को अच्छे से छील कर धो लिया है और हरी मिर्च को भी मैंने धो लिया है। इमली को मैंने इस टमाटर के रस में डुबो दिया है और इन सभी को मैं अब धूप में रख दूंगी। और ये देखिए, धूप में रखने के बाद टमाटर मेरे थोड़े सूख गए हैं और इमली का पल्प भी फूल गया है और पानी भी थोड़ा डिक्रीज हो गया है। और देखिए, अदरक और लहसुन भी धूप में रखने से थोड़े थोड़े श्रिंक कर गए हैं। अब मैं इन सभी को ग्राइंड करूंगी। सबसे पहले ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च को मिक्सी के जार में डालेंगे। इस तरह हमने डाल दिया है, अब इसे चलाएंगे मिक्सी को। देखिए कितने अच्छे से पिस गई है। और अब इसी जार में हम ये टमाटर भी डाल देंगे और इसे भी ग्राइंड करेंगे। इसी तरह पीस लेना है और इसे अब हम इसी थाली में निकाल देंगे और बाकी बचे टमाटर को भी हम इसी तरह पीस लेंगे।
और बाकी के पल्प को भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ। अब ये जो इमली है इसको मैं मैश करूंगी हाथों से और फिर इसके सारे सीड्स को अलग कर दूंगी और फिर इस पल्प को भी हमें इस टमाटर वाले अचार में मिक्स कर देना है। तो इसे इस तरह से मसलते हुए सारे सीड्स को निकाल लीजिए। और ये देखिए सारा पल्प निकल गया है और अब हमें इसको इसमें मिक्स कर देना है। मसाला के लिए हमने एक चम्मच अजवाइन लिया है, थोड़ी सी लाल मिर्च, एक चम्मच जीरा, चार चम्मच मैंने पीला सरसों लिया है, आप इसकी जगह पर काला सरसों भी ले सकते हैं या दोनों 50-50 भी ले सकते हैं, और ये एक चम्मच सौंफ। और ये कलौंजी है, कलौंजी को मैं भूनूंगी नहीं, इसे ऐसे ही रहने दूंगी, डायरेक्ट इसे मिलाएंगे अचार में। और ये चारों पांचों चीज़ को मैं भून लूँगी। एक मेथी की कमी है मेरे पास, अभी नहीं था इसलिए मैं नहीं दिखा पा रही हूँ। और इन सभी को हल्के मध्यम आँच पर एकदम लो फ्लेम में आपको बस एक दो मिनट के लिए रोस्ट करना है और फिर उन्हें ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। और देखिए इस तरह मैं पहले से ही मसाला तैयार करके रखी हूँ। और ये देखिए आप लार्ज क्वांटिटी में बना के रख लीजिए और जो भी अचार बनाएं आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हर बार आप अचार बनाएं और मसाला प्रिपेयर करें। तो इस तरह मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखा था, एक अचार बनाया था उसमें मैंने यूज़ किया था और वही मसाला है। अब मैं इसको टमाटर के अचार में डालूंगी। इस तरह आपका टाइम सेविंग भी हो जाएगा, आप एक बार में लार्ज क्वांटिटी बना लें और फिर उसे रख लें। अब हम इस टमाटर के अचार में एक चम्मच, एक बड़ा चम्मच में लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, इससे थोड़ा कलर अच्छा आएगा। और ये मसाला जो हमने प्रिपेयर किया था वो है, ये भी दो तीन चम्मच आप डाल दें। इसमें ज़्यादा मसाला डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो खुद चटनी के फॉर्म में है। और थोड़ी सी हींग और जो कलौंजी था उसे मैं डायरेक्ट इसे डालूंगी इस तरह और अब इसे मिक्स कर लें। और इसे मिक्स करके मैं धूप में रख दूंगी और धूप में इसका जितना भी मॉइस्चर है, अभी थोड़े बहुत पानी है इसमें, ये सूख जाएगा। फिर इसमें हम तेल मिक्स करेंगे। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, अब मैं इसे धूप में रख देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अचार को मैंने धूप में रख दिया था एक दो घंटे के लिए और ये थोड़ा ड्राई हो गया है। और अब मैं तेल गरम कर दे रही हूँ और जब तेल में थोड़ा धुआं उठने लगे तो गैस ऑफ कर देना होगा और फिर जब तेल ठंडा हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे। तेल मेरा गर्म हो गया है और अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। तेल ठंडा हो गया है और अब हम इसे इसमें मिला देंगे। इसे मिक्स कर लें और तेल की मात्रा इसमें अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो अचार खराब होने का डर रहता है, इसलिए हमें तेल अच्छे से मिलाना है। और तेल मिलाने के बाद भी हमें इसे एक दो घंटा के लिए या फिर एक दिन आप धूप में इसे अच्छे से दिखा दीजिए। एक्चुअली इसमें वाइट विनेगर तो नहीं पड़ा हुआ है ना, तो इसे धूप दिखाना ज़रूरी है। जिस अचार में विनेगर पड़ा रहता है तो उसमें ख़राब होने का डर नहीं रहता है। तो इसका मेन प्रिजर्वेटिव तो तेल है और धूप और नमक इसमें अच्छी मात्रा से होनी चाहिए। और हाँ, नमक इसका आप टेस्ट कर लेंगे, अगर
नमक आपको कम लगे तो आप इसमें और ऐड कर सकते हैं। भी अच्छे से रहना चाहिए, ज़्यादा तेज भी नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तेज हो जाएगा तो फिर इस अचार का टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कम भी नहीं रखिएगा क्योंकि इससे अचार ख़राब होने का डर रहता है। और ये देखिए थोड़ा ऑयली ऑयली लगने लगा है, अगर बाद में लगे आपको कि तेल कम है थोड़ा तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इतना मुझे लगता है ठीक है। 2 केजी टमाटर के हिसाब से 1 पाव तेल इसमें पड़ गया है। और अब इसे मैं धूप में रख दूँगी, थोड़ा और सूख जाए, और उसके बाद बॉटल में, किसी साफ बॉटल में, कांच के बॉटल में रखिएगा तो आपका अचार ख़राब नहीं होगा। और ये देखिए फ्रेंड्स, अचार मेरा तैयार हो गया है और इसे धूप भी मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है और ये अब बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। इसका मॉइस्चर सूख गया है और ये इतना मतलब गीला रहेगा। बहुत ज़्यादा सुखा देंगे, ड्राई कर देंगे तो फिर उसका भी स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अब तैयार है और अब हम इस जार में, ये बॉटल मैं बहुत अच्छे से साफ सुथरा करके, फिर इसे धूप भी दिखा दिया था, और इसमें मैं इस अचार को ट्रांसफ़र कर दूँगी। अचार ख़राब ना हो इसके लिए मैं इस बॉटल में थोड़ा नमक डालूँगी पहले, और थोड़ा सा तेल, और इसे चारों तरफ हम घुमा देंगे। इससे खराब होने का डर कम रहता है। चारों तरफ इसी तरह मिला दें। अब हम अचार को इसमें डाल देंगे। ये अचार बहुत ही टेस्टी लगती है फ्रेंड्स, आप एक बार इसे ट्राई जरूर कीजिएगा अपने घर में। जब कभी सब्जी अच्छी नहीं बनी हो तो आप इस अचार को ले लीजिए, आपके खाने में बहुत स्वाद आ जाएगा। ये खाने का स्वाद बहुत बढ़ा देता है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। और ये देखिए फ्रेंड्स कितना टेस्टी लग रहा है ये अचार, और ये अचार में तेल भी ऊपर से दिख रहा है तो ये अचार ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। अगर आपको लगे कि अचार में तेल थोड़ा कम है तो आप थोड़ा ऊपर डाल दीजिएगा, तो इस तरह से ख़राब होने का डर नहीं रहेगा। तो है ना डिलीशियस ये अचार, जब देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में जाहिर सी बात है स्वादिष्ट तो होगी ही। तो आप भी इस अचार को अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और आप खाना, अगर एक रोटी खाना चाहते हैं तो उसके बदले आप 2 रोटी खा लेंगे। अगर मेरी ये अचार की रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।